हाय गाइस, इट्स मी सुनैना। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मथुरा के बारे में। मथुरा मतलब कृष्ण की नगरी। यहाँ के बारे में बोला जाता है कि पत्थर भी उछाला जाए तो वो किसी ना किसी मंदिर पर जाकर गिरेगा। यही वजह है इस शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं मथुरा के सफ़र पर और देखते हैं मथुरा की सुंदर सुंदर 10 जगहें जो आपको मथुरा जाकर ज़रूर घूमनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल। ये वह स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया था। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर के अंदर सारी चीज़ें हैं, वो जेल तक है जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया था। दूसरे नंबर पर आता है बांके बिहारी मंदिर। मथुरा में आकर जिसने ये मंदिर नहीं घूमा उसने मथुरा में आकर कुछ नहीं घूमा। ये मथुरा का सबसे मेन मंदिर है, बांके बिहारी का सबसे पुराना मंदिर है। थर्ड नंबर पर आता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर को बनाने में 11 साल लगे थे। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और रात में तो बहुत ही सुंदर दिखता है। इस मंदिर में रात को अलग अलग तरीके की लाइट्स जलती हैं, बार बार चेंज होती रहती हैं, जो कि रात में देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। चौथे नंबर पर आता है द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि काफ़ी सुंदर अपनी पेंटिंगों के लिए फेमस है। इस मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। पांचवे नंबर पर आता है कुसुम सरोवर। ये गोवर्धन की परिक्रमा लगाने में रास्ते में पड़ता है, जो कि काफ़ी सुंदर पानी के बीच में बना हुआ है। छठे नंबर पर आता है राधा रानी टेम्पल। ये बरसाने में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के ऊपर से इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। सातवें नंबर पर आता है मथुरा म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के अंदर पुराने पुराने टाइम की मूर्तियां तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आठवें नंबर पर आता है आइस्कॉन टेम्पल। इस मंदिर के अंदर सबसे ज़्यादा अंग्रेज देखने को मिलते हैं। इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। नौवें नंबर पर आता है राधा रानी कुंड, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, नहाते हैं। और दसवें नंबर पे आखिरी में आता है विश्राम घाट, जो कि एक घाट है जहाँ पर सुबह शाम बहुत ही सुंदर तरीके से आरती की जाती है। लास्ट आती है मथुरा की होली। मथुरा की होली के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। मथुरा की होली सबसे ज़्यादा फेमस होली है। यहाँ पे होली एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है और यहाँ डेली अलग अलग जगह पर बहुत ही अच्छी तरह होली खेली जाती है। अगर आप जाना चाहते हैं एक बार मथुरा, तो होली पे ज़रूर जाइएगा, वहाँ की होली ज़रूर खेल के आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।